अस्सलाम वालेकुम क्लास। हम पढ़े कोर कोर्स ह्यूमन बुक बॉडी बुक वन जो है कोर कोर्स का जो चैप्टर नंबर हमने स्टार्ट किया हुआ है 3 रेडिस डाइजेस्टिव सिस्टम, और उसका टॉपिक जो है पेज नंबर 52 पे जो है हम स्टार्ट करेंगे। इसमें आज के लेसन में हम डाइजेशन इन स्टमिक, स्टमिक में डाइजेशन किस तरह से होती है, एंड स्टमिक एंड इंटेस्टाइनल एक्शन जो है फूड पे स्टमिक और इंटेस्टाइन का एक्शन किस तरह से होता है, ये दो टॉपिक कवर करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं डाइजेशन इन स्टमिक। तो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था स्ट्रक्चर ऑफ स्टमिक, तो उसके कुछ व्यू भी देख लेते हैं कि स्टमिक किस तरह का होता है और उसकी शेप जो है किस तरह की है, तो वो हम देखते हैं पहले। क्लास ये है जी स्टॉमिक, और इसमें हमने देखा था कि स्टॉमिक के टॉप पे जो है एसोफेगस, जिसे हम कहते हैं खुराक की नाली, वो फूड को माउथ से स्टॉमिक तक लेके आती है, और एसोफेगस और स्टॉमिक के दरमियान में एक स्फिंक्टर हमने कहा था होता है, जिसे कार्डियक स्फिंक्टर, ऊपर जहाँ पे ये कार्डिया लिखा हुआ है कार्डियक स्फिंक्टर है, ठीक है। और फिर इसके बाद स्टॉमिक के जो है पार्ट है सबसे टॉप वाला होता है फंडस, दरमियान में बॉडी, और एंड पे जो है पाइलोरिक एंट्रम जो है पाइल, तीन रीजन इसके होते हैं, ठीक है। फंडस वो टॉप वाला रीजन, दरमियान वाला बॉडी, और देन देयर इज अ पाइलोरिक एंट्रियम, और एंड पे जो है फिर हमने बात की थी पाइलोरिक स्फिंक्टर की, तो एंड लास्ट पे पाइलोरिक हो गया, पाइलोरिक स्फिंक्टर भी आ जाएगा, और फिर उसके बाद जो आगे स्मॉल इंटेस्टाइन का ड्यूटीनियम स्टार्ट हो जाता है। एक और बात याद रखिएगा, इसमें कर्व्स होते हैं, जो स्टमिक होता है डैट इज़ अ जे शेप्ड होती है, ये भी आपने याद रखना है कि ये जो जे शेप्ड होता है। उसके अलावा इसमें कुछ कर्वेचर्स होते हैं, आप ये देख सकते हैं पिक्चर में कि जो स्मॉलर कर्व होता है इनर साइड पे उसे कहते हैं लेसर कर्वेचर, और जो आउटर साइड पे बन रहा होता है बड़ा कर्व है तो उसे कहते हैं ग्रेटर कर्वेचर। तो ये स्टमिक के दो कर्व्स भी होते हैं, ये भी आपको पता होने चाहिए कि कौन कौन से हैं। और इसके अलावा जो है ये इसके जो लेयर्स हैं डिफरेंट, हमने बात की थी कि टॉप वाला फंडस आ गया, मिड में बॉडी, और एंड पे जो है पाइलोरिक एंट्रियम होता है, रीजन होता है। और अब इसमें लेयर्स हमने कहा था सबसे पहले आउटर कवरिंग होगी, तो इसे हम सिरोसा भी कह सकते हैं, या आप देख सकते हैं राइट साइड टॉप राइट साइड पे सेकंड पे लिखा हुआ है सिरोसा, यानी कि एक हमने कहा था कि आउटर फाइब्रस कोट होता है इसका, तो डैट इज़ अ सिरोसा उसे कह लें। फिर उसके बाद इनर जो है मस्क्यूलर स्ट्रक्चर्स होता है, तो हम डिफरेंट मसल्स की लेयर्स हमने बात की थी, तो आप ये देख सकते हैं इसके मसल्स की लेयर आप लेफ्ट साइड पे पिक्चर में देख सकते हैं, थर्ड नंबर पे लिखा हुआ है मस्कुलेरिस एक्सटर्निया, जो जितने भी इसके मसल्स हैं लॉन्गिट्यूडनल लेयर, उसके मसल्स भी आप देख लें यहाँ पे। देन देर इज़ अ सर्कुलर लेयर, और फिर ओब्लिक लेयर भी जिसे हम कह सकते हैं, हमने कहा था कि या डायगोनल जैसे हमने कहा था, तो वही तीन तरह के इसके पास मसल्स भी आ गए। और रगी ऑफ द म्यूकोसा, तो एंड पे ये जो आपको नज़र आ रहा है लाइनिंग सी लोअर रीजन में पाइलोरिक एंट्रियम के रीजन में, तो ये स्टोमी के अंदर जो है इस तरह की लाइनिंग होती हैं, जिसे हम रगी ऑफ म्यूकोसा कह सकते हैं। म्यूकोसा जो है इनर लेयर, सबसे अंदर वाली इसकी लेयर है, उसमें मौजूद होते हैं। तो ये है जी एक स्टोमिक का जो स्ट्रक्चर जो है जो हमने स्टडी किया था, और ये आप पिक्चर में भी वही चीज़ें सारी वेरीफाई कर सकते हैं, इसमें लेसर कर्वेचर और ग्रेटर कर्वेचर भी आप व्यू कर सकते हैं। तो क्लास ये था जी इसका स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमिक जो हमने स्टडी किया। तो आज के इस लेसन में हम अपना देखते हैं जी डाइजेशन एंड स्टोमिक। अब स्टोमिक के अंदर जो है डाइजेशन किस तरह से होती है प्रॉपरली, तो इसे हम देखते हैं। द इंट्रोडक्शन इंटू द स्टमिक ऑफ मीट एक्सट्रैक्ट्स कुक्ड ग्रेन्स पार्टली डाइजेस्टेड प्रोडक्ट्स ऑफ प्रोटीन, तो जो भी आपने खाना खाया वो जो है चाहे वो मीट एक्सट्रैक्ट्स हो, मीट से हो, कुक्ड ग्रेन्स हो, फूड कुछ भी खाया आपने, उसमें कोई स्पेशली अगर प्रोटीन्स हैं तो डैट स्टिमुलेट्स द फ्लो ऑफ गैस्ट्रिक जूस। तो फूड के अंदर जो है ज़्यादातर स्टमिक में प्रोटीन पोर्शन ऑफ द फूड डाइजेस्ट होता है, इस वजह से जो उसके प्रोटीन कंटेंट होंगे वो स्टोमिक की वाल को
स्टमिक के वाल को जो है वो इनक्रेज करेंगे ताकि वो उसमें अपना गैस्ट्रिक जूस जो है वो एक्सक्रीट कर सकें। तो ये गैस्ट्रिक जूस के प्रोडक्शन करवाते हैं जी। दीज एजेंट्स कैन प्रोड्यूस अ हार्मोन गैस्ट्रीन इन द पाइलोरिक एंड ऑफ द स्टोमिक। तो स्टोमिक का लोअर रीजन जो हमने देखा कि पाइलोरिक एंट्रम जिसे हमने नाम दिया, तो उस जब फूड में प्रोटीन कंटेंट होगा तो उससे गैस्ट्रिक जूस प्रोडक्शन होगी। तो इससे जो लोअर रीजन में जब यही फूड और गैस्ट्रिक जूस जो है ये प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगी, तब जो है पाइलोरिक रीजन जो है वो गैस्ट्रिन हार्मोन प्रोड्यूस करवाता है। स्टोमिक इन द पाइलोरिक एंड ऑफ द स्टोमिक में होता है जी। गैस्ट्रिन व्हेन एब्जॉर्ब, अब जब गैस्ट्रिन एब्जॉर्ब होगा ब्लड में, स्टिमुलेट द सेक्रेटरी ग्लैंड, तो फिर इसने ये गैस्ट्रिन जाके तो सेक्रेटरी ग्लैंड्स को जो कि स्टोमिक के हैं जिन्होंने जूस खारिज करना होता है, उन्हें सबको फिर मोटिवेट करता है कि आप अपना कंटेंट जो है सेक्रेट करें। याद रखिएगा, तो स्टोमिक से गैस्ट्रिन हार्मोन प्रोड्यूस होता है जो कि उसका लोअर रीजन जो है पाइलोरिक रीजन से गैस्ट्रिन हार्मोन प्रोड्यूस होता है जो कि ब्लड में एब्जॉर्ब होके तो बाकी सेक्रीशंस भी करवाता है। गैस्ट्रो सेक्रीशन आल्सो मे बी स्टिमुलेटेड बाय द मेयर साइट और स्मेल ऑफ द फूड। तो कुछ जो है सेक्रीशन स्टोमिक में फूड की जो है स्मेल से, उसके टेस्ट से, उसकी साइट से, तो उससे भी प्रोडक्शंस होती हैं। दिस इज कॉल्ड रिफ्लैक्स स्टिमुलेशन जो है। तो ये रिफ्लैक्स स्टिमुलेशन हुई ना, फिर इसे हम रिफ्लैक्स स्टिमुलेशन कहते हैं कि फूड को देख के जो है, जैसे हम कहते हैं कि अच्छा मनपसंद गज़ा बनी हो तो फिर उसको देख मुँह में पानी भी आ जाता है ऐसे, तो वो बेसिकली हम सेक्रीशन प्रोडक्शन हो रही होती है। इस तरह स्टोमिक में भी कुछ जो है सेक्रीशन स्टार्ट हो जाती है जिसे कहते हैं रिफ्लैक्स स्टिमुलेशन, कि उसके रिस्पॉन्स में जो है हमारी सेक्रीशन हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट जो द वॉल ऑफ द एम्प्टी स्टोमिक आर इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर। तो उसके एम्प्टी स्टोमिक के वॉल जो है वो कॉन्टैक्ट में होती है एज फूड एंटर्स द कैविटी। जैसे ही फूड स्टोमिक में एंटर होगी इन लार्जेस विदाउट चेंज इन इंट्रा गैस्ट्रिक प्रेशर, तो इससे जो है स्टोमिक वो उसका जो है फूड जब आएगी तो वो एक जैसे बैलून इन्फ्लेट करता है वैसे ही इन्फ्लेट कर देता है, जो इंट्रा गैस्ट्रिक प्रेशर भी इंक्रीज नहीं होते क्योंकि उसमें स्पेस होती है। द कार्डिक पोर्शन ऑफ द स्टमिक स्टोर्स द इंजेस्टेड फूड। तो कार्डिक पोर्शन टॉप वाला जो हमने कार्डिक पोर्शन जो कहा था, कार्डिक पोर्शन ऑफ द स्टमिक स्टोर्स द इंजेस्टेड फूड वेव्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सर्कुलर मसल प्रीसीडेड बाय वेव्स ऑफ रिलैक्सेशन, जिसे हम कहते हैं पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट, स्टार्ट अबाउट मिड वे इन द बॉडी ऑफ द स्टोमिक। तो स्टोमिक के बॉडी के मिड वे से जो है ये प्रोडक्शन जो है ये वेव्स स्टार्ट होती हैं और कंट्रैक्शन जो है जो सर्कुलर मसल जो हैं स्टोमिक के सर्कुलर मसल जो हैं वो स्टार्ट करवाते हैं ये वेव ऑफ कंट्रैक्शन जो कि स्टोमिक के मिड से स्टार्ट होती हैं एंड ट्रेवल डाउनवर्ड। तो फिर उससे जो स्टोमिक से आगे फिर डाउनवर्ड जो है वो इंटेस्टाइनल ट्रैक जो है उसकी तरफ आगे मूव करना शुरू कर दें, जैसे स्पेशली स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन की तरफ, एंडिंग जस्ट बिफोर रीचिंग द पाइलोरिक कैनाल। तो नीचे फिर पाइलोरिक जो रीजन है उसको उस कैनाल की तरफ जो है वो मूव करते हैं। सच वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन विच मे अकर एट अ रेट ऑफ 3 पर मिनट। तो ये उनका अगर स्पीड कितनी होती है तो इतनी ज़्यादा स्पीड नहीं, स्लोली स्लोली प्रोडक्शन होती है इन वेव्स की 3 पर मिनट। तो 1 मिनट्स में 3 वेव्स ऑन एवरेज जो है ये प्रोड्यूस होती हैं। मैसीरेट एंड थॉरली मिक्स द फूड विद गैस्ट्रिक जूस। तो इसका फिर करती क्या है, जो है अच्छी तरह से थॉरली मिक्सिंग करती है फूड को जो कि गैस्ट्रिक जूस प्रोडक्शन हो रही है उसके साथ मिक्स कर देते हैं ताकि फूड की डाइजेशन हो सके। द पीरियॉडिक डिस्चार्ज ऑफ फूड फ्राम द स्टोमिक इन टू द ड्यूटेरियम इज कॉज्ड बाय द कंट्रैक्शन ऑफ द मसल इन द स्टमिक वॉल। तो अब फिर जो है ये एक वक्फे वक्फे से ग्रेजुअली जो है जब वो कंट्रैक्शन की वेव प्रोड्यूस होती हैं तो वो
जब फूड पार्टली डाइजेस्ट हो चुकी होती है, अभी थोड़ी थोड़ी जो है फूड निकलना शुरू हो जाते हैं स्टोमिक से निकल के स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्स्ट पोर्शन ड्यूडेनम में चली जाती है। तो डैट इज़ ड्यू टू द कंट्रैक्शन ऑफ मसल इन स्टोमिक वाल के मसल की कंट्रैक्शन की वजह से ही वो आगे मूव होगी, तो फिर उससे एक्सक्रीट होते। दीज मसल्स आर इनर्वेटेड बाय द क्रेनियल वेगस नर्व्स। तो ये जो मसल्स स्टोमिक के वो मसल जो कॉन्ट्रैक्शन काज कर रहे हैं, जो वेवा कॉन्ट्रैक्शन प्रोड्यूस कर रहे हैं, उन्हें नर्वस सिस्टम की ब्रांच एक मिली होती है, उन्हें नर्वस सिस्टम की एक ब्रांच मिली होती है, एक वेव क्रेनियल नर्व्स है, वेगस नर्व, डिफरेंट टाइप्स की वो नर्व्स होती हैं क्रेनियल नर्व्स, और डेट इज़ नंबर इन 12, लेकिन उसमें जो है 10 नंबर वेव होती है, डेट इज़ वेगस नर्व। तो वेगस इज लार्ज नर्व होती है, ये वेगस नर्व की इनर्वेशन, वेगस नर्व की ब्रांचेस जो हैं कुछ वो स्टोमिक के वाल्स में इम्प्रिगेट होती हैं, उसमें जो है इम्बीडेड होती हैं, तो वेगस नर्व वो जैसे रेगुलेट करती हैं इन मसल्स को कि वो कब वेव प्रोड्यूस करें और कब रिलैक्स करें। विच स्टिमुलेट कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द गैस्ट्रिक मस्कल्चर एंड अलाउ द स्फिंक्टर। अब स्फिंक्टर किसकी बात हो रही है, पाइलोरिक स्फिंक्टर की बात करें, अलाउ द स्फिंक्टर बिटवीन द स्टमिक एंड द ड्यूडेनम टू ओपन, के कब और किस तरह से ये उसकी ओपनिंग होगी, इसको रेगुलेट करती हैं ये वेगस नर्व की इनर्वेशन जो है, जो स्टोमिक में पेनिट्रेशन है वो रेगुलेट करती है। तो इस तरह से फूड स्टोमिक से पार्शियल डाइजेशन होने के बाद जो है वो मूव करते हैं टूवर्ड द ड्यूडिनम। और जब स्टोमिक से, एक और बात याद रखें, स्टोमिक से जो फूड निकलते हैं उसे हम कहते हैं काइम, पार्शली डाइजेस्टेड फूड जो है उसे हम कहते हैं काइम। तो ये था जिसमें डाइजेशन इन स्टोमिक, तो स्टोमिक में किस तरह से डाइजेशन होती है। नेक्स्ट टॉपिक है स्टोमिक एंड इंटेस्टाइनल एक्शन, किस तरह से इनका एक्शन होता है। गैस्ट्रिक जूस इन द स्टोमिक कंटेन एजेंट सच एज, कौन कौन से इसके कंटेंट्स अब आपको पता होने चाहिए जी, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है और कुछ एंजाइम्स होते हैं। गैस्ट्रिक जूस की कंपोजिशन अगर देखा जाए तो मेन जो है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड एंजाइम, और उन एंजाइम के आपको नाम भी आने चाहिए, दीज आर पेप्सिन, रेनिन, रेनिन का अल्टरनेटिव नेम है केमोसिन, केमोसिन भी से कह देते हैं, और एंट्रेसिस ऑफ लाइपेज, यानी पेप्सिन, रेनिन एंड लाइपेजिस होते हैं, ये तीन एंजाइम्स मौजूद होते हैं और हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है इसमें। द सरफेस ऑफ द स्टोमिक इटसेल्फ इज थॉट टू द प्रोटेक्टेड फ्रॉम द एसिड एंड पेप्सिन बाय इट्स म्यूकस कोटिंग। तो ये हमने देखा था कि स्टोमिक की सरफेस को जो है, क्योंकि ये जो गैस्ट्रिक जूस है इसमें तमीज़ नहीं है कि वो स्टोमिक की वाल्स को डाइजेस्ट ना करे, वो इसे भी डाइजेस्ट, अगर मौका मिले तो इसे भी डाइजेस्ट कर लेता, तो इसलिए स्टोमिक ने जो है फिर खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए म्यूकस कोटिंग जो है म्यूकस प्रोड्यूस करवाता है म्यूकस सेक्रेटिंग सेल से। पेप्सिन हमने बात की, गैस्ट्रिक जूस में पेप्सिन होता है, तो पेप्सिन का काम क्या है, ब्रेक प्रोटीन इनटू पेप्टोन्स एंड पॉलीपेप्टोन्स, ये वर्ड एक मिसप्रिंट है, यहाँ पे लिख लें पॉलीपेप्टोन्स जो है, प्रोटोक्सिस जो है ये गलती से लिखा गया, इसमें लिख लें आप पॉलीपेप्टोन्स। तो पेप्सिन एंजाइम है बेसिकली, ये प्रोटीन की ब्रेक डाउन करवाता है और प्रोटीन को तोड़ के उसके छोटे यूनिट्स में कन्वर्ट करता है, दीज आर पेप्टोन्स एंड पॉलीपेप्टोन्स जो हैं, बड़ी चेन को तोड़ के छोटी चेन में कन्वर्ट कर देता है। फिर हम बात करते हैं रेनिन आर केमोप्सिन जो है, ये एंजाइम क्या करता है, ये सेपरेट मिल्क इनटू लिक्विड एंड सॉलिड पोर्शंस। तो रेनिन एंजाइम जो है ये स्पेशली यंग चिल्ड्रन जो होते हैं उनमें मौजूद होता है, और इसका काम ये होता है कि ये जो मिल्क प्रोडक्ट्स या मिल्क जो है जब स्टमक में जाएगा तो मिल्क में मौजूद कुछ प्रोटीन्स जो हैं उसकी, मिल्क प्रोटीन जो हैं जो इनसॉल्युबल होती हैं प्रोटीन, उनको जो है सॉल्युबल प्रोटीन्स में कन्वर्ट कर देता है,
सॉरी जो है इसे जो रेनिन होता है मिल्क के अंदर जो इनविजिबल प्रोटीन होती हैं, जो डिजोल्व प्रोटीन होती हैं, आप उन्हें इनसॉल्युबल कर देता है। जब पहले जब मिल्क लिया उसके अंदर जो प्रोटीन हैं वो सॉल्युबल होती हैं, उसके अंदर मिक्सअप होती हैं, लेकिन जब स्टोमिक में चले जाते हैं तो रेनिन एंजाइम का काम यह है जो मिल्क के अंदर मिल्क की प्रोटीन जो है जो सॉल्युबल फॉर्म में है उन्हें इनसॉल्युबल कर देता है, उन्हें विजिबल कर देता है वो प्रोटीन जो है, फिर जो है वहाँ पे स्टोमिक में जो है उन्हें फिर सॉलिड फॉर्म में, अगर लिक्विड में है तो बात करो सॉलिड फॉर्म में कर दे, फिर जो है वो है तो प्रोटीन, तो फिर जो है पेप्सिन एंजाइम जो है इन्हें भी साथ डाइजेस्ट कर लेता है। तो रेनिन क्या का या क्यूमोक्सिन एंजाइम का काम सिर्फ इतना है कि मिल्क के अंदर जो सॉलुबल प्रोटीन्स हैं उन्हें इनसॉलुबल प्रोटीन में कन्वर्ट करता है ताकि जो पेप्सिन एंजाइम उस पर एक्ट करके तो उसे भी डाइजेस्ट किया जा सके, ये भी आप याद रखें। एंड फिर है जी लाइपेज, लाइपेज है तो लिपिड्स के लिए, लाइपेज एक्ट ऑन फैट्स और लिपिड्स के ऊपर एक्ट करेगा और उनको तोड़ के फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल्स में कन्वर्ट कर देता है। तो ये है जिनके स्टोमिक के जो तीन एंजाइम्स हमने पढ़े उनके फंक्शनिंग भी साथ साथ हमने देख ली। स्टूडेंट आपको कंपोजिशन याद होनी चाहिए गैस्ट्रिक जूस की कंपोजिशन क्या है, ठीक है, अच्छी तरह से ये याद रखिएगा। Another function of stomach digestion is to gradually release material into the upper small intestine, that is duodenum. तो gradually जो है वक्फे वक्फे से जो है stomach जो partially digested food होती है उसको बाहर निकाल देता है stomach के हवा से आगे जो है duodenum के हवाले कर देता है through pyloric sphincter. वियर डाइजेशन इज कम्प्लीटेड, तो फाइनल डाइजेशन जो है कम्प्लीट डाइजेशन तो स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होती है। सम कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ गैस्ट्रिक जूस बिकम एक्टिव ओनली वेन एक्सपोज टू द अल्कलिनिटी ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो हमें पता है कि स्टोमिक के अंदर एसिडिक मीडियम क्रिएट किया होता है क्योंकि वहाँ पर एंजाइम उसके स्पेशली प्रोटीन को डाइजेशन के लिए उन्हें जो है ज़रूरी है उस मीडियम में जो है एसिडिक मीडियम में वर्क करते हैं, लेकिन कुछ गैस्ट्रिक जूस के कंटेंट्स हैं जो कि एसिडिक मीडियम में सही तरह से काम नहीं करते तो वो फिर उन्हें बेसिक मीडियम चाहिए। जैसे ही अब स्टोमिक ने अपना जूस तो साथ एडअप कर दिया ना फूड के साथ, वो उसके साथ अटैच है, जैसे ही उन्हें अल्कलाइन मीडियम जो है अल्कलिनिटी मिलती है बेसिक मीडियम मिलता है जो कि इंटेस्टाइन व स्मॉल इंटेस्टाइन में मौजूद होता है बेसिक मीडियम, तो वहाँ पे जाके तो वो अच्छी तरह से अपनी डाइजेशन स्टार्ट कर देते हैं। सेक्रीशन इज स्टिमुलेटेड बाय च्यूइंग एंड च्यूइंग अमिट स्वेलिंग एंड इवन बाय सीइंग आर थिंकिंग ऑफ फूड। तो है फिर सेक्रीशन जो है कहाँ से आती है जी, इस तरह से च्यूइंग कर रहे होते हैं स्वेलविंग के थ्रू एंड देन बाई सीइंग आर थिंकिंग ऑफ फूड जब, तो फिर सेक्रीशन जो अपने मतलब का आर्गन जो है सेक्रीशन कर देते हैं। द प्रेजेंस ऑफ फूड इन द स्टोमिक आल्सो स्टिमुलेट प्रोडक्शन ऑफ गैस्ट्रिक सेक्रीशन डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन। तो जब स्टोमिक के अंदर फूड मौजूद है तो फिर स्मॉल इंटेस्टाइन अपनी प्रिपरेशन अपने जूस के लिए जिन सेल्स ने प्रोड्यूस करना होता है सेक्रीशन जो है उन्हें फिर रेडी कर देती है। दीज इन टर्न स्टिमुलेट द प्रोडक्शन ऑफ डाइजेस्टिव सब्सटांसिस इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो फिर उन्हें आइडिया हो जाता है क्योंकि बॉडी के डिफरेंट पार्ट आपस में कनेक्शन में होते हैं, तो फिर स्मॉल इंटेस्टाइन भी तब तक रेडी हो जाती है, अपने भी जूसेस जो है सेक्रीशन बनाना शुरू कर देती है ताकि फूड जैसे ही स्टमक से निकले तो स्मॉल इंटेस्टाइन में आ गए उसकी सेक्रीशन रेडी हो और उसको ब्रेक डाउन कर दिया जाए। द मोस्ट एक्सटेंसिव पार्ट ऑफ द डाइजेशन अकर्स इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो असल जो है एक्चुअल कंप्लीट डाइजेशन जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में ही की जाती है। हियर मोस्ट फूड प्रोडक्ट्स आर फर्दर हाइड्रोलाइज्ड एंड एब्जॉर्ब्ड। तो फर्दर जो है तीन बेसिक पार्ट जो थे फूड के उनको यहाँ पे दोबारा से जो कोई अगर स्टोमिक से एस्केप हो गया वहाँ से बच निकला है तो वो फिर अल्टीमेटली स्मॉल इंटेस्टाइन में भी आके उनकी ब्रेक डाउन कर दी जाती है। प्री डाइजेस्टिव मटेरियल सप्लाइड बाय द स्टोमिक इज सब्जेक्टेड टू द एक्शन ऑफ थ्री पावरफुल डाइजेस्टिव फ्लूइड्स है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में तीन तरह के डाइजेस्टिव फ्लूइड जो हैं जिस तरह के स्टोमिक के जूस से, तो तीन तरह के जूसेस से तीन तरह के फ्लूइड का सामना करना पड़ता है। दीज आर पेनक्रियाटिक फ्लूइड कम्स फ्रॉम पेनक्रियाज। क्या दीज पेनक्रियाज इज अ
एसेसरी ग्लैंड, नॉट अ पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम बट इट इज़ एसेसरी ग्लैंड से हम कहते हैं, क्योंकि ये भी जो है डाइजेशन में अपना रोल प्ले करता है बाय गिविंग इट्स पेनक्रियाटिक जूस और पेनक्रियाटिक फ्लूड। तो पेनक्रियाज जो है वो भी, पेनक्रियाटिक फ्लूड जो है वो भी स्मॉल इंटेस्टाइन के लेवल पे आके तो अपने लेवल जो फ्लूड्स हैं वो सेक्रीट करता है। देन जो है इंटेस्टाइनल इट्सेल्फ, स्मॉल इंटेस्टाइन का भी कुछ जूस होगा वो भी इसकी ब्रेक डाउन करेगा। एंड फाइनली जो है बाइल कम्स फ्रॉम लीवर, तो लीवर और पेनक्रियाज अपनी सेक्रीशन स्मॉल इंटेस्टाइन में करते हैं। अब ये तीनों जूसेस क्या हैं, किस तरह से करते हैं, ये भी इनकी डिटेल अभी हम देखते हैं। लेकिन आपने याद रखना है कि स्मॉल इंटेस्टाइन में तीन तरह के जो है फ्लूड का सामना करना पड़ेगा फूड को, दैट इज पेनक्रियाटिक फ्लूड्स, इंटेस्टाइनल जूस एंड बाइल। दीज फ्लूड न्यूट्रलाइज द गैस्ट्रिक एसिड एंडिंग द गैस्ट्रिक फेज ऑफ डाइजेशन। जैसे ही ये फ्लूड आएंगे, ये बेसिक मीडियम में वर्क करने वाले हैं, और जो है गैस्ट्रिक फेज ऑफ डाइजेशन यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है, अब इंटेस्टाइनल फेज ऑफ डाइजेशन स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि अब फूड कंटेंट जो है इंटेस्टाइन्स में आ चुके हैं, तो अब इंटेस्टाइनल फेज स्टार्ट हो चुकी है। अब सबसे पहले हम देखते हैं जी पेनक्रियाटिक फ्लूड जो है, पेनक्रियाटिक फ्लूड इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन थ्रू सेवरल डक्ट्स। तो सेवरल डिफरेंट जो है डक्ट्स के थ्रू जो है पेनक्रियाटिक फ्लूड स्मॉल इंटेस्टाइन में। क्लास ये है जी पेनक्रियाज, ये जो लीवर के नीचे जो है आपको एक येलो कलर में नज़र आ रहा है, दैट इज़ अ पेनक्रियाज, ये है जी पेनक्रियाज। और पेनक्रियाज जो है इसके अंदर आप देख सकते हैं ग्रीन कलर की एक लाइन लगी हुई है, ये है पेनक्रियाटिक डक्ट, और इस तरह से ये पेनक्रियाटिक डक्ट आगे जो है आगे ओपन होते हैं टू द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो पेनक्रियाज अपनी सेक्रेशन थ्रू डक्ट, विच इज कॉल्ड पेनक्रियाटिक डक्ट के थ्रू जो है अपनी सेक्रेशन पोर इन टू द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो यहाँ पे आप देख भी सकते हैं कि ये जो है इसी तरह से जो है गॉल ब्लैडर और लीवर की सेक्रेशन जो है वो भी इसी तरह इसमें ओपन हो रही होती है, तो इस तरह से इसकी सेक्रेशन जो है इसमें एंटर होंगी। तो इस तरह से जो है पेनक्रियाज अपने सेक्रेशन जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में पोर आउट करता है। तो इसमें क्या होता है जी पेनक्रियाटिक फ्लूइड में, इट कंटेन्स ट्रिप्सिन, इसके अंदर एंजाइम्स जो मौजूद हैं जी, सबसे पहले ट्रिप्सिन एंजाइम, कीमोट्रिप्सिन एंजाइम, तो ये दो स्पेशली एंजाइम मौजूद होते हैं पेनक्रियाटिक फ्लूइड के अंदर। एंजाइम डेट स्प्लिट कॉम्प्लेक्स प्रोटीन, तो ये दोनों जो है ट्रिप्सिन एंड कीमोट्रिप्सिन जो है प्रोटीन की ब्रेक डाउन करते हैं। स्टॉमिक में हमने देखा पेप्सिन एंजाइम, वो भी प्रोटीन की ब्रेक डाउन करता है, और इधर से जो है ट्रिप्सिन एंड कीमोट्रिप्सिन भी प्रोटीन को जो है इनटू सिंपलर कंपोनेंट दैट कैन बी एब्जॉर्ब एंड यूज इन रिकंस्ट्रक्शन बॉडी प्रोटीन, तो फिर इनको सिंपल कंपोनेंट्स में ब्रेक डाउन करवा देता है, ताकि जो है फर्दर उनको जो है बॉडी की जब जरूरत पड़े उन कंपोनेंट्स को यूटिलाइज करके प्रोटीन बनाई जाए। स्टेप्सिन, स्टेप्सिन जो है हमने बात की, इसमें ट्रिप्सिन है, कीमोट्रिप्सिन होता है, और स्टेप्सिन, स्टेप्सिन का दूसरा नाम जो है लाइपेज एंजाइम भी आप कह सकते हैं इसे, ट्रिप्सिन, कीमोट्रिप्सिन एंड लाइपेज। स्टेप्सिन ब्रेक डाउन फैट्स, फैट्स को जो है ब्रेक डाउन करेगा इनटू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल्स में कन्वर्ट कर देगा फैट्स को, और उसके अलावा जो है माइलोप्सिन जो है हाइड्रोलाइसिस स्टार्च इनटू माल्टोज, तो माइलोप्सिन जो है कार्बोहाइड्रेट के लिए भी, देखो तीनों कंपोनेंट्स आ गए, प्रोटीन के लिए ट्रिप्सिन एंड कीमोट्रिप्सिन होते हैं, और फैट्स के लिए स्टेप्सिन या आप कह लें इसे लाइपेज होता है, और कार्बोहाइड्रेट के लिए माइलोप्सिन जो है एंजाइम मौजूद होता है, और ये इनको ब्रेक डाउन करते हैं, और स्टार्च को जो है इनटू माल्टोज में, अदर एंजाइम देन ब्रेक लाइपेज, और अदर एंजाइम देन ब्रेक, मतलब लाइपेज नहीं करते, यहाँ पे ये मिस्टेक है, ब्रेक करते हैं माल्टोज को, जो है ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज जो इसके बेसिक कंपोनेंट्स जो हैं उसमें कन्वर्ट करते हैं। माल्टोज को जब हम ब्रेक डाउन करते हैं तो उसको ग्लूकोज और फ्रक्टोज निकलते हैं, तो एन आप यहाँ पे लिखें अदर एंजाइम देन ब्रेक लाइपेज की जगह पे लिखें माल्टोज इनटू ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, ये मिस्टेक है, लाइपेज यहाँ पे लफ्ज़ नहीं आएगा, याद कर रहे हैं कि यहाँ पे लाइपेज को रिमूव करके इसकी जगह पे आप लिखेंगे माल्टोज, तो माल्टोज को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में कन्वर्ट कर देते हैं। सिक्रीशन ऑफ पेनक्रियाटिक जूस इज स्टिमुलेटेड बाय द इंजेक्शन ऑफ प्रोटीन्स एंड फैट्स, जो है तो ये भी डिपेंड करता है कि जो आपकी डाइट है उसमें
कितनी प्रोटीन्स और फैट्स आप लेंगे। अगर ज़्यादा प्रोटीन और फैट्स होंगे तो फिर इसकी प्रोडक्शन भी ज़्यादा होगी। लेकिन आप याद कर लें इसमें कौन कौन से एंजाइम्स होते हैं पैनक्रियाटिक फ्लूइड्स में, ये आपको पता होंगे, ट्रिप्सन, कीमोट्रिप्सन, स्टेपसिन और एमाइलोप्सिन होते हैं। सेकेंड हमने कहा था कि इंटेस्टाइनल जूस होता है। सेकेंड हमने फिर बात की इंटेस्टाइनल जूस की। इंटेस्टाइनल जूस इज सेक्रेटेड बाय द स्मॉल इंटेस्टाइन। इट कंटेन्स अ नंबर ऑफ एंजाइम। इट्स फंक्शन इज टू कंप्लीट द प्रोसेस बिगन बाय द पेनक्रियाटिक जूस ने जो स्टार्ट कर दी डाइजेशन वाला, तो इसे अल्टीमेटली ये कंप्लीट कर देता है। द मैकेनिकल प्रेशर ऑफ फूड पार्टली डाइजेस्ट इन द इंटेस्टाइन मेक द फ्लो ऑफ इंटेस्टाइनल जूस, जो है इससे जो इंटेस्टाइनल जूस का फ्लो होता है। द रोल ऑफ बाइल, तो थर्ड जो है सेक्रीशन सी बाइल कम्स फ्रॉम लीवर। अभी हमने पिक्चर में भी देखा कि लीवर किस तरह से अपने जो है डग जो है पेनक्रियाटिक डग जो होती हैं कॉमन दोनों से कलेक्ट करके, तो वो फिर अल्टीमेटली बाइल जो है, बाइल भी लीवर से और गाल ब्लैड लीवर से निकल के गाल ब्लैड में स्टोर होता है, फिर उसके बाद पेनक्रियाटिक डग के थ्रू जो है वो स्टोमिक में आ जाता है। तो रोल ऑफ बाइल इन डाइजेशन इज टू एड इन एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट्स बाय कंबाइनिंग विद देम टू फॉर्म स्ट्रक्चर कॉल्ड माइसीलीज। तो जो है बाइल जो है जो फूड में या फिर जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में पार्शियल डाइजेस्टिव फूड है, तो उसमें फैट के साथ स्पेशली उसके साथ बाइल स्पेशली ये साल्ट्स होते हैं। बाइल्स में जो है ना, इसमें ये साल्ट्स ही ज़्यादातर होते हैं, देयर इज नो एंजाइम। तो इसमें साल्ट्स होते हैं वो फिर फैट्स के साथ कंबाइन कर जाते हैं, और इसमें जब फैट्स के साथ बाइल साल्ट्स अटैच हो जाते हैं जिससे बनते हैं माइसिलीज बन जाती हैं विच आर सॉल्युबल इन द ब्लड। तो ये माइसिलीज जो है ब्लड के अंदर इजीली सॉल्युबल हो जाती हैं अब इसमें, एंड मोर एसेसिबल टू लाइपेज। तो फिर लाइपेज जो है इस माइसिलीज को डिटेक्ट करके तो इन्हें फिर ब्रेक डाउन कर देता है। सेक्रेटेड बाय द लीवर एंड स्टोर्ड इन द गॉल ब्लैडर। तो ये जो सेक्रेटेड होते हैं बाइल लीवर से सेक्रेट होते हैं और जो है स्टोर्ड होते हैं इनटू द गॉल ब्लैडर। तो स्टूडेंट ये था जी आज का लेक्चर, और इसमें इसे हम अगर समराइज कर लें आज के इस लेक्चर को, तो इस आज के लेक्चर में हमने देखा कि स्टोमिक के एनाटॉमी जो है, स्टोमिक स्ट्रक्चर देखा, इसके डिफरेंट कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं, फिर हमने देखा डाइजेशन एंड स्टोमिक। तो स्टोमिक में डाइजेशन किस तरह से होती है, किस तरह से फूड कंटेंट्स जो होते हैं स्पेशली प्रोटीन्स जब अगर मौजूद हैं उसमें, तो वो स्टिमुलेट करते हैं स्टमिक की वाल्स को, तो वहाँ से प्रोडक्शन होती हैं गैस्ट्रिक जूस की, फिर उसके नतीजे में गैस्ट्रीन प्रोड्यूस होता है जो कि ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाता है। मोर गैस्ट्रिक जूस, इनके मोर प्रोटीन इन द फूड, मोर गैस्ट्रीन, मोर गैस्ट्रिक जूस, इस तरह से प्रोडक्शन होती हैं उसकी। फिर किस तरह से ये चर्निंग मूवमेंट करवाता है, और स्टोमिक की वाल से किस तरह कॉन्ट्रैक्शन प्रोड्यूस होती हैं जो कि उसमें वेगस नर्व की इनर्वेशन मौजूद है जो कि उसके पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट करवाते हैं। इस तरह से फूड स्लोली ग्रेजुअली मूव करती चली जाती है और जो है स्टोमिक से फिर निकल के स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाती हैं, और जो है ये जो हमने कहा कि वेव प्रोड्यूस होती हैं स्टोमिक में, और इनका रेट कितना होता है 3 पर मिनट्स हैं, तो 1 मिनट में 3 प्रोड्यूस होती हैं। तो इस तरह से ये मूव करती चली जाती हैं। अब जब फिर आ जाएगी स्टोमिक एंड इंटेस्टाइनल एक्शन में, हमने देखा कि अब वो जो फूड आ गई है स्मॉल इंटेस्टाइन में, और स्मॉल इंटेस्टाइन में मीडियम जो होता है वो अल्केलाइन होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन के पास जैसे ही ये गैस्ट्रिक जूस जाएगा उसमें, तो इसमें देखा कि हमने गैस्ट्रिक जूस में हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, पेप्सिन, रेनिन और लाइपेसिस होता है, और इनका फंक्शन भी फिर देखा कि किस तरह से फंक्शन करेंगे, कि पेप्सिन के प्रोटीन को ब्रेकडाउन के लिए रेनिन जो है या मॉप्सिन जो है ये मिल्क के ऊपर अटैक करते हैं, और लाइपेसिस जो होते हैं वो फैट्स के ऊपर अटैक करके उनके ब्रेक डाउन करते हैं। और जैसे ही जब ये फूड आगे फॉरवर्ड मूव करेगी तो फिर चले जाएगी स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो है सबसे पहले फूड का जो है एसिडिक मीडियम को अल्केलाइन में कन्वर्ट किया जाता है, तो उसमें भी कुछ जो है गैस्ट्रिक के जो एंजाइम्स हैं वो भी वर्क कर रहे होते हैं साथ साथ। और उसमें जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में स्पेशली 3 तरह के सेक्रीशंस होती हैं जो कि पेनक्रियाटिक फ्लूइड्स होगा उसमें, उसमें इंटेस्टाइनल फ्लूइड है और बाइल मौजूद है। पेनक्रियाटिक में हमने देखा कि डिफरेंट किस्म के एंजाइम्स होंगे, ट्रिप्सन, कीमोट्रिप्सन एंजाइम्स मौजूद हैं,
और ट्रिप्सन एंजाइम्स हैं, एमाइलोप्सिन है, ये एंजाइम मौजूद हैं। ट्रिप्सन कीमोट्रिप्सन प्रोटीन की ब्रेक डाउन करते हैं। इसी तरह से जो है ट्रिप्सन जिसे हमने नाम दिया लाइपेज है तो फैट्स की ब्रेक डाउन करेगा। एमाइलोप्सिन एंजाइम है तो ये फिर कार्बोहाइड्रेट या स्पेशली स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, तो इस तरह से जो है ये ब्रेक डाउन करते हैं अपनी रेडिकल। देन देयर इंटेस्टाइनल जूस आ जाएगा, वो उसमें के कुछ एंजाइम्स हैं और जो कि फर्दर ब्रेक डाउन करते हैं प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट लिपिड्स की फर्दर ब्रेक डाउन कर देंगे। देन जो है लास्ट में है बाइल, और बाइल साल्ट्स होते हैं स्पेशली, और ये फैट्स के साथ अटैच होके तो माइसिलीज बनाते हैं। इन माइसिलीज को जो है लाइपेज एंजाइम जो हैं वो डिटेक्ट करके तो इनकी फर्दर ब्रेक डाउन कर देते हैं। स्टूडेंट ये था आज का लेक्चर, और आप लोग अच्छी तरह से अपने लेक्चर को प्रिपेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।